देखिए बच्चों, लास्ट डे हमने आपको रिवीजन में ये आपको पढ़ाया था, इसमें 32 तक हो चुकी थी सारी प्रॉब्लम्स। सभी बच्चे किताब खोल लें, आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 33 पर। क्या कह रहा है, टिक द फिगर्स हुज 1/4 पार्ट इज शेडेड। उस फिगर के ऊपर टिक लगाइए जिसका 1/4 हिस्सा शेडेड शेड किया हुआ है, मतलब चार हिस्सा अगर है तो उसमें से एक हिस्सा शेड किया हुआ है। क्या इसमें चार हिस्सा है तो एक हिस्सा शेड किया हुआ है? नहीं, इसमें है, चार हिस्से में 1/4 ये शेड किया हुआ है। इसमें देखिए चार हिस्से में एक हिस्सा शेड किया हुआ है और इसमें नहीं, ठीक है। तो जब आपको टिक लगाने को कह रहा है तो इसमें टिक लगा दीजिए, इसमें टिक नहीं लगेगा। समझ में आया? इस तरह से हमको पता चला कि ये हिस्सा जो है 1/4 होता है, ठीक। आ जाइए अब प्रॉब्लम नंबर 34, ये आपकी हो गई, सभी बच्चे बना लेंगे, बना के इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड 1/4 ऑफ 12 ऑरेंजेस। सवाल यहाँ लिख लेंगे, 1/4 ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना होगा? बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ये इसका भाग लगा देंगे, 4 × 4 = 4, 3 × 12 बस 3 ऑरेंजेस, ठीक है। बहुत आसान है, ये सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 35। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ सभी बच्चे लिख लेंगे, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखिए कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, जैसे यही है 4/30, ठीक है। तो जिसमें ऊपर वाली चीज़ होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है और जो नीचे वाली चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए न्यूमरेटर 4, ठीक है। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी बच्चे खुद से करें। अब आगे जाइए प्रॉब्लम नंबर 36। ₹608 23 इन वर्ड्स। सवाल यहाँ सभी बच्चे लिख लेंगे, एक्सप्रेस 600 रुपीज 23 पैसे इन वर्ड्स। इनको आपको वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे? ₹608 23 पैसे। देखिए 608 रुपीज 23 पैसे, इसी को आपको यहाँ आपको नंबर दिया गया है और उसको आपको लिखना रहेगा वर्ड्स में। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 37। क्या है, कन्वर्ट रुपीज इतना इंटू पैसे। पैसे, ठीक है, क्या है, 18 रुपीज 65 पैसे, 18 रुपीज 65 पैसे, इसको पैसे में आपको बदलना है। ये 18 रुपीज जो है ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको पैसे में बदलेंगे तो 1800 रुपीज़ और प्लस ये पैसे बन जाएगा, ये 60 पैसे हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप पैसे, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। 815 पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे, 815 पैसे
सब सवाल आप यहाँ लिख लेंगे। देखिए क्या है 815 पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे, देखिए 815 है, इसमें 800 पैसे अलग और 15 पैसे अलग, ठीक है। ये 800 पैसे 8 रुपीज़ बन जाएगा, ये 15 पैसे हो जाएगा, 8 रुपये 15 पैसे, ठीक है। इसको दो भाग में कर लेंगे, 800 अलग 15 अलग, फिर 8 रुपये 15 पैसे, ये आपका आंसर। हाँ बच्चों आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 39 पे। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 50 रुपीज़ एंड 70 रुपीज़ 5 पैसे, सवाल आप लोग यहाँ उतार लेंगे। देखिए रुपीज़ और पैसे, 50 रुपीज़ ये है 00, 70 रुपीज़ 5 पैसे, इसमें इसको आपको क्या करना है घटाना है, इसमें इसको हासिल देंगे ये बनेगा, ये इसको जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से ये इसको देगा, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ क्या बच गया 9, ठीक। 9 में से 9 उतार लेंगे आप, ठीक है, ये 9 आ गया, फिर इसमें से देखिए यहाँ क्या बच गया 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ क्या बचा 4, 4 में से बन गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये वाला आपका सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है।